बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता हरी की, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आदरणीय सचिन पायलट जी, आदरणीय ज्योत्सना महन जी, जिसके चुनाव प्रचार के लिए हम लोग आए हैं वोट मांगने के लिए, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महन जी, आदरणीय ताम्रदास साहू जी, आदरणीय दीपक बैज जी, मोहन मरकाम जी और सभी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, हमारे विधायक और पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, मंचस्थ सभी अतिथिगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और हमारे पत्रकार साथियों, आप सब प्रियंका जी को सुनने आए हैं। उसके बीच ज़्यादा देर नहीं रहूँगा, लेकिन कुछ बातें हैं, दो तीन बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा। ये लोकसभा का चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव में आपको ध्यान रखना है, ये लड़ाई ज्योत्सना महंत की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की भी नहीं है, ये लड़ाई हम पूरे भारतवासियों की है, क्योंकि आज संविधान खतरे में है। तो इसलिए सोच समझ के ये मतदान करना है, ये आम चुनाव नहीं बल्कि ये खास चुनाव है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर सोनहत आता हूँ, यहाँ के साथियों ने मुझे जिला मांगा था, मैंने आपको जिला दिया। आपने मेडिकल कॉलेज की मांग की थी, हमने विधानसभा से उसे पारित करके भेज दिया है, मेडिकल कॉलेज भी आपको मिलेगा। आदरणीय साथियों, राहुल जी ने किसानों के ऋण माफी 2500 रुपया क्विंटल धान, वो 5 साल हमने वादा निभाया, आपके ऋण माफी भी किया और 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी किया। महिलाएं जो घर की मुखिया बनी, उनके खाते में उनके हर महीने 35 किलो राशन और आदिवासी अंचल में चना भी देने का हम लोगों ने फैसला किया, वो 5 साल आपको मिला है। बिजली बिल हाफ योजना आपको मिला है और उसी के साथ साथ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल भी आपको मिला है, 100 बिस्तर अस्पताल भी आपके इस लोकसभा क्षेत्र में मिला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमने आपको दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से साए साए सब बंद कर रहे हैं। गोबर खरीदी बंद हो गया साए साए, वन गौठान बंद हो गया साए साए, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बंद हो गया, बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, बिजली कटौती चल रही है, बिजली बिल बढ़ने वाला है और साथ साथ मजदूरों को 7000 रुपया देते थे वो भी बंद हो गया। अब चावल 35 किलो नहीं मिलेगा, 5 किलो मिलेगा, चना मिलना बंद हो गया, नमक मिलना बंद हो गया। अब तो किताब की कीमत भी बढ़ गई है, अब तो स्कूल में फीस भी बढ़ गया है, व्यापम और पीएससी में फीस बढ़ गया है, जमीन के रजिस्ट्री भी बढ़ गया है और शराब की कीमत भी बढ़ गई है। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये विष्णु देव साय की सरकार में जो सुविधाएं मिल रही थी सब साय साय बंद कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, न्याय के बारे में प्रियंका जी आपसे बात करेंगी, लेकिन एक सवाल करते हैं, इतना पैसा आएगा कहां से? महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, इतना न्याय जो घोषणा पत्र है उसके बारे में कहते हैं, तो मैं एक ही बात कहता हूं, ये सवाल 2018 पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोग छत्तीसगढ़ में उठाते थे कि छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ करने के लिए इतना पैसा आएगा कहाँ, 2500 रुपये में धान खरीदने के लिए पैसा आएगा कहाँ, 35 किलो राशन देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, बिजली बिल हाफ योजना लागू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन आप सब जानते हैं
कोरबा लोकसभा के लोग और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग कि 5 साल हमने वादा निभाया है, जब छत्तीसगढ़ में हो सकता है तो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों और महिलाओं के लिए काम करती है, उसे ताकतवर बनाने के लिए काम करती है, तो दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी है केवल जुमलेबाजी करते हैं और देश को लुटाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने विदेश से काला धन लाने की बात कही थी, वो आया नहीं। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात उन्होंने कही थी, वो मिला नहीं। और अब तो स्थिति ये है कि जो हमारे देश के संपदा है, खनिज है, उसे भी लुटाने में लगे हैं। 2 लोग बेचने वाले हैं, 2 लोग खरीदने वाले हैं, और आपके कोरबा लोकसभा के, आपके जो कोयला खदान है, रायगढ़ के जो कोयला खदान है, अब भी अडानी को बेच दिए हैं। संभल जाओ कोरबा वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये कोयला जिसमें आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके परिवार वहाँ मजदूरी करते हैं, आपका पूरा परिवार पलता है, ACCL का है, जो दशकों से आपके धरोहर रही है, उसे भारतीय जनता पार्टी ने अडानी के हाथ में सौंपने की शुरुआत कर दी है। यदि आपको रोकना है तो आप पंजे के निशान में बटन दबाकर ज्योत्सना भाभी को भारी बहुमत से जिताएं, यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जोरदार जयकारा लगाएं, जब तक कि प्रियंका जी ना आ जाए मंच में तब तक के तालियां बजते रहने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।